अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग वीवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ कैरेमल पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूँगी, तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने कॉर्न लिए हैं, एक कप चीनी, चार टेबलस्पून बटर, एक टीस्पून बेकिंग सोडा, एक टीस्पून वनीला एसेंस। सबसे पहले पैन में दो टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और उसको मेल्ट होने देंगे। बाकी के दो टेबलस्पून बटर हम बाद में यूज़ करेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। कॉर्न ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच चला के मिक्स करते रहेंगे और इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक ये पॉप होना शुरू नहीं हो जाएंगे। जब ये पॉप होना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको कवर करके पकाएंगे। ये भी बस कॉर्न जो है वो पॉप होना शुरू हो गए हैं। देखिए कितनी तेज़ी से ये पॉप हो रहे हैं। हाफ कप कॉर्न थे जो कि फूल के, हमारी ये पूरा के पूरा पैन जो है वो फुल हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं, ये देखिए कितनी तेज़ी से पॉप हो रहे हैं। ये तकरीबन सारे कॉर्न जो हैं वो पॉप हो चुके हैं। देखिए कढ़ाई हमारी फुल हो गई है। अब हम इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो 2 टेबल स्पून बाकी बटर था उसको पैन में ऐड करके मेल्ट होने देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। ये बटर मेल्ट हो चुका है, अब इसमें चीनी ऐड करके हम इसको हलाते रहेंगे। ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही चम्मच चलाते हुए मेल्ट करना है ताकि अच्छा सा कैरेमल जो है वो रेडी हो जाए। ये कैरेमल रेडी होना शुरू हो गया है और थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छी तरह सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और हमारा इस तरह का कैरेमल रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें जो बेकिंग सोडा था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके लम्ब ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर ये इसका कोई भी लम्ब मुँह में आए तो वो सॉल्टी सा टेस्ट देता है जो अच्छा नहीं लगता। सोडा मिक्स करने के बाद हम इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम पॉपकॉर्न जो है वो फ्लेम बंद करके इसमें ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे पॉपकॉर्न्स के ऊपर कैरेमल अच्छी तरह लग जाए। अब कुछ पॉपकॉर्न्स का मैं बॉल्स बना लूँगी और बाकी के इसी तरह अपनी बकेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। यह हमारे मज़ेदार से कैरेमल पॉपकॉर्न रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।